अब हम लोग पहुंच चुके हैं पुष्कर में, पुष्कर सरोवर पर। और इस पुष्कर सरोवर में कुल 52 घाट हैं। 52 घाटों का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन आज आपको हम दिखा रहे हैं इस घाट पर क्या होता है, आप खुद देखिए अपनी आंखों से। पुष्कर सरोवर तालाब, पुष्कर सरोवर तालाब पर कबूतरों की झुंड देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आए हुए दर्शनार्थी कबूतरों को दाना खिलाने में मशगूल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस इलाके में कबूतर उड़ रहे हैं वहाँ पर आप चप्पल भी पहन करके नहीं जा सकते, और कबूतरों को आप पकड़ भी नहीं सकते। 10 से 15 रुपए में आपको एक पैकेट दाना मिल जाता है, और परिंदे जो भगवान के दिए हुए परिंदे हैं कबूतर, ये आपके हाथों पर बैठ करके दाना चुगने को मजबूर हो जाते हैं, और पर्यटकों के लिए यह एक शानदार लुत्फ हो जाता है। ये थी पोलटाक की रिपोर्ट, और आज आपको हमने पुष्कर की तीसरी रिपोर्ट दिखाई है। पूरी सीरीज है हमारे पास, आपको इसके आगे दिखाएंगे कि ब्रह्मा का मंदिर कैसा है। अभी आपने पुष्कर आने की यात्रा, पुष्कर में सरोवर आने तक की यात्रा, और ये पुष्कर सरोवर की कहानी को देखा है। और अगर आप दर्शनार्थी हैं और टहलने और घूमने के इच्छुक हैं तो आप पुष्कर की पूरी रिपोर्ट ज़रूर देखेंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी है यह भी बताइएगा। बिना इसके हमारा चलना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है।
तो अब हम यहीं से निकलेंगे तरड़ी घाट से ब्रह्मा मंदिर की ओर, वह भी देखिए इसी सीरीज में अगली कड़ी। धन्यवाद।